चलो डेक्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बातें बातें बाद में, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये है हमारी डेक्स, मतलब कि डेक्स नहीं है, एक अलमारी जिसको कहते हैं, ये वो है। सो ये इसको मत भूलना। ये है पेन होल्डर, स्टिकी नोट्स, पेंसिल, पेन, स्केल एंड एनी ज्योग्राफिकल आर्ट सब्जेक्ट्स ऑलवेज। ये पैड है, ये मैंने DIY किया है, लक DIY है ये। तो इस स्पेस को मैंने अभी क्लीन कर लिया था, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो ले आऊँ। सो इस स्पेस को जो है क्लीन करना है अच्छी तरीके से, तो यही स्पेस है, इसकी हमें ऑर्गेनाइजेशन करनी है। ये स्पेस तो मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा था। सो जो मैंने DIY जो किया था उसकी वीडियो मैंने पहले बना चुकी हूँ, तो आप उसमें देख लेना। सो और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और अब मैं इन सब चीज़ों को जो है उठाऊँगी और यहाँ रख देती हूँ जी आराम से। इस तरीके से सो ये जो है पहले से ही मैंने नीचे का तो साफ़ कर लिया था, बट ऊपर ऊपर का रह गया है, तो वो मैं अभी साफ़ कर दूँगी। सबसे पहले ये जो प्रैक्टिकल एंड रजिस्टर है वो मैं साइड कर दूँगी, नहीं इसको इस तरीके से लगा दूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं और दिक्कत दे सकते हैं। एंड ये हैं बुक्स, तो बुक्स को मैं अच्छी तरीके से कन्वेंस करूँगी, तो बुक्स को भी तरीके से मैं यहाँ लगा दूँ, नहीं बुक्स को हम इस तरीके से रख देंगे। ये जो है डेस्क का है, और यहाँ जो है बहुत कम स्पेस है यहाँ। सो ये जो बुक है मैं इसको लूँगी एंड बहुत भी है एग्जैक्ट, मैं इसको निकाल देती हूँ। मैं इन सबको अच्छी तरीके से स्पेस कर देंगे, और इस जगह पर तरीके से इसको उठाएंगे। तो देखो हो गया ना एकदम, ना तो ये नीचे गिरेगी और ना ही अब ऊपर नीचे होगी। सो ये एक जगह हो गई है, अब यहाँ पर इनकी बारी आ गई है। सो इनके लिए एक अच्छी तरीके से बना दिया है मैंने, और ये बुक्स जो है कॉपीज, सो इस तरीके से लगा दिया है मैंने। मैंने इस क्योंकि ये कोई स्टडी टेबल नहीं है कि इसमें ड्रॉअर हो या फिर वो हो, तो मैं ऑर्गेनाइज करके बताऊँ, बस मैं आपको क्लीनिंग एंड वेपोजिशन के बारे में बताया है। तो आप प्लीज़ इसको चेक कर लीजिए। और हाँ, ये जो बहुत से मुझे मेरे पुराने चैनल पर किसी ने कमेंट किया था कि डी आपने ये ऑल पिंस किस तरीके से की हैं, तो उसकी वीडियो मैं आपको बनाकर भेज दूँगी, क्योंकि वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई है, तो वो मैंने अपलोड नहीं कर पाई है, तो मैं उसको फिर से अपलोड कर दूँगी। एंड इसको ये DIY किया है, तो मैं इसका यूज़ कर आपको बताती हूँ कि आखिर ये सच्ची में यूज़ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। सो चलो उस पर, ये है, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। सॉरी मुझे बेल आइकन जो है बनाना आता नहीं है। लो मेरी बेल आइकन बन गई, तो बेल आइकन को प्रेस करना।
सब्सक्राइब प्रेस करना, लाइक प्रेस करना, कमेंट को करना और शेयर करना मेरी वीडियो को। सो इसको बेल आइकन रफ करके बता देती हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। ओके, थैंक यू।